यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर उनके कामों के तरीकों को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बृजभूषण सिंह की संघ पर अच्छी पकड़ थी। उनके खिलाफ खड़े होने पर कई महासंघ के अधिकारियों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। आरोप है कि बीजेपी सांसद ने अपने 12 साल के कार्यकाल के दौरान महासंघ के अध्यक्ष के रूप में अपने परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों को कुश्ती महासंघ के विभिन्न पदों पर जगह दी। इस दौरान उचित प्रक्रियाओं का पालन भी नहीं किया गया। इससे वो संघ में इतने शक्तिशाली हो गए कि उनके कार्यों पर सवाल उठाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। हालांकि कुश्ती महासंघ की कई प्रदेश इकाइयां बृजभूषण सिंह पर सवाल उठाती रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार रेसलिंग एसोसिएशन के पूर्व सचिव और पहलवान रहे कामेश्वर सिंह कहते हैं, महासंघ में सिर्फ उनकी ही चलती थी। उन्होंने अपने खुद के नियम बना रखे थे। उनका नियम और उनका पालन करना बहुत जरूरी था, नहीं तो आपको भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। बृजभूषण की तरफ से उनके दामाद विशाल सिंह को BWA का अध्यक्ष बनाने की मांग उठी, लेकिन प्रदेश इकाई ने इससे इनकार कर दिया। कामेश्वर बताते हैं कि BWA को 2018 में भंग कर दिया गया और नए गठन में विशाल को अध्यक्ष और उनके सहयोगी विनय कुमार सिंह को सचिव बनाया गया। बिहार के अलावा भी कई राज्यों के साथ ऐसा बर्ताव हुआ। चुनाव महासचिव चुनाव महज औपचारिकता हो गए थे। त्रिपुरा रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष रूपक देवराय कहते हैं, वो 2015 में चुनाव में हमारे एसोसिएशन के लिए अपने बेटे के नाम के लिए मुझ पर दबाव डाल रहे थे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। जब मैं चुनाव के लिए गया तो देखा कि हमारे महासचिव के नाम की जगह लिस्ट में उनके बेटे का नाम लिखा हुआ था। उन्होंने कहा, उसी दिन से WFI ने त्रिपुरा को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और WFI की बैठकों के लिए न्योता देना बंद कर दिया। हमें अलग कर दिया गया और प्रदेश के पहलवानों को खामियाजा भुगतना पड़ा। त्रिपुरा में 350 पहलवान हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में उनका कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने कहा, वो बहुत ताकतवर हैं, हमारे पास उनके खिलाफ केस लड़ने के साधन नहीं है। असम रेसलिंग एसोसिएशन के उज्जवल बरुआ ने कहा, बृजभूषण असम में नया एसोसिएशन बनाना चाहते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। बिहार, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्य हैं जहां उन्होंने निर्वाचित इकाइयों को खत्म करने की कोशिश की और चुनावी फायदे के लिए अपने रिश्तेदारों को जगह दिलाने की कोशिश की। अधिकारी बताते हैं कि बृजभूषण सिंह ने अपने तीसरे कार्यकाल में हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। 30 जून को कुशासन का हवाला देते हुए तीन राज्यों की इकाइयों को भंग कर दिया गया। हरियाणा की तरफ से भी आरोप लगाए गए कि बृजभूषण प्रदेश इकाई पर नियंत्रण जमाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में WFI के पूर्व महासचिव VN प्रसूद इस तरह के आरोपों का खंडन करते हैं। उनका कहना है कि बृजभूषण सिंह के कार्यकाल में कुश्ती महासंघ के चुनावों में पूरे नियमों का पालन किया गया। असम को लेकर प्रसूद ने कहा कि राज्य को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर के जरिए प्रतियोगिता में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।